बहुत सारे लोगों जो को देखते हैं और उनकी बड़ी कॉमन कॉमन कंप्लेंट्स होती, लूज मोशन आ जाना, कब्ज़ हो जाना। अभी लूज मोशन जब आ जाते हैं एक आध दफ़ा तो दैट्स परफेक्टली फाइन, आपको मुझे किसी को भी हो सकते हैं। लेकिन जब ये एक रूटीन बनी रहती है कि लोग कहते हैं कि जी खाना खाने के बाद पेट में कुछ दर्द होती है, वट फिरता है पंजाबी जुबान में, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, उसके साथ इसकी एसोसिएशन होती है, और फिर महीने आगे महीने और फिर साल साल जो है उससे ये मसला लोगों को चल रहा होता है, तो फिर इस बीमारी को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। फिर इस बीमारी को अक्सर हम IBS का नाम देते हैं। IBS वाले लोगों को खाना हजम करने में बड़ी दिक्कत होती है। खाना खाने के फ़ौरन बाद उनमें एक अर्ज होती है, एक हाजत होती है कि वो वॉशरूम जाएँ, अपना पेट खाली करें, और उसके बाद ऊपर सुकून हो जाते हैं। उनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है खाना खाने के बाद, खाना हजम करने में वो दिक्कत महसूस करते हैं, खाना ना हजम करने की वजह से वो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, उनकी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, और फिर इन्हीं लोगों को कुछ अर्से के बाद फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला भी होना शुरू हो जाता है। तो IBS इसी बीमारी का नाम है जहाँ 6 महीने कम अज़ कम, मतलब इसके डायग्नोसिस का एक प्री रिक्वेसिट है कि कम अज़ कम 6 महीने तब ये दोनों और सिम्टम्स उनको तो आने सिम्टम्स चाहिए। आएँ, और हर बिल्कुल सही। 6 महीने के अंदर अंदर जो है, हर 3 हफ्ते बाद, हर मतलब हफ्ते में 3 दफ़ा जो है उसको बार बार अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, और ऐसे सिम्टम्स जो कि डेफिकेशन के बाद यानी पखाना करने के बाद रिलीफ भी हो जाए, एब्डोमिनल पेन और बाकी सारा कुछ, बेसिकली ये बड़ी आंत की बीमारी है जहाँ पे हम थोड़ा सा खाना हजम करने में दिक्कत महसूस करते हैं और उसके साथ फिर ये आगे चलता है। तो IBS स्टेबल करने के लिए एक लंबा अरसा दरकार है, अच्छा डॉक्टर किसी साहब, को यहाँ एक आध दफ़ा ऐसा मसला हो तो उसको हम आई बी बिल्कुल एस दे सही, देते हैं। यहाँ पे रुकिएगा, मुझे ये बताइएगा कि जब हम IBS की बात करते हैं, इसके यूजली सिम्टम्स ओवरलैप किस और डिजीज के साथ करते हैं गैस्ट्रेंटोलॉजी में? बहुत ज़रूरी है कि हम IBS को डिफ्रेंशिएट करें IBD के साथ, ओके विच इज़ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। IBS ऐसी बीमारी है जो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, राइट। और आप कभी भी अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट को बेहतर करके और अपनी ज़हनी तनाव को, स्ट्रेस को कम करके इसको ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। IBD एक ऐसी बीमारी जिसमें पखाने के साथ खून भी आता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसको आप सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसकी एसोसिएशंस हैं कुछ कैंसर्स के साथ, उसके साथ वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है जो कि IBS के साथ आमतौर पे लोगों को नहीं होता, उसके साथ जो है आपकी मैलअब्सॉर्प्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो IBD इज़ अ डिज़ीज़ जहाँ पे आपको प्रॉपरली उसके लिए इन्वेस्टिगेट भी करना है, और ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप 6 महीने, साल या 2 साल छोड़ दें और उसके बाद आप इसको ट्रीट कर लें तो ये ठीक हो जाएगी। बहुत से IBD के पेशेंट्स जो हैं उनको टोटल कलेक्ट भी करानी पड़ती है, यानी उनकी बड़ी आंत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, या कभी कभी पूरा हिस्सा जो है, रिड्यूस करना पड़ता ऑपरेशन है, करके निकालना पड़ता है, जो कि IBS के साथ नहीं है। नहीं होता। और बहुत सारे लोगों को अगर हम प्रॉपरली डिटेक्ट ना करें तो शायद उनकी पहली प्रेजेंटेशन ही कैंसर के साथ होती है। बिल्कुल सही। पता ये लगता है कि जी इनको पखाने में खून आता रहा कुछ अरसे के लिए, और कुछ अरसे के बाद जो है जब तशखीस कराई या कोलोनोस्कोपी टेस्ट करवाया तो पता लगा बड़ी आंत का कैंसर था, जिसका इलाज सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है अगर हम इसको जल्दी डिटेक्ट करें। बिल्कुल सही। तो IBS और IBD इट हैज़ टू बी डिफरेंट। IBD में पखाने में खून नहीं आता, सॉरी IBS में पखाने में खून नहीं आएगा, IBS में वज़न कम नहीं होगा, IBS में शदीद वाली कमज़ोरी नहीं होगी, और IBS में कैंसर नहीं होगा। जबकि IBD में जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है उसमें खून भी आएगा, कैंसर भी हो गया, और उसमें बहुत ज़्यादा शदीद कमज़ोरी हो जाएगी। अच्छा, IBS की और IBD की दोनों की जो रीजंस हैं वो क्या होती हैं, कॉजेज क्या हैं? लेकिन IBS इज़ समथिंग दैट मेनी पीपल सफ़र फ्रॉम, बहुत सारे लोगों को IBS है। स्ट्रेस एक रीज़न हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल जो है वो एक रीज़न हो सकता है, आपके खाने की रूटीन रीज़न हो सकती है, आपकी जो है वो एक्सरसाइज ना करना रीज़न हो सकती है, आपका बढ़ा हुआ वज़न फैटी लिवर के साथ, नैश के साथ बहुत सारे लोग आते हैं उनको IBS है। तो इसकी ये इन्वायरमेंटल वजूहत बहुत सारी हैं, एंड प्रॉपरली इसकी कोई एक वजह जो है वो नहीं है। बिल्कुल सही। IBD इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसमें आपकी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत आपकी बॉडी के ख़िलाफ़ एक्ट करती है, और ये डिज़ीज़ जो है ये सिर्फ आपकी अंतरियों तक महदूद नहीं रहती, ये आपकी आँखों पे, आपके फेफड़ों पे, आपके जिगर पे, आपके आपके हर हिस्से पे असर कर सकती है। सिंस इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो ये आपकी इम्यूनिटी, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसमें एक डिफेक्ट की वजह से है। तो दोनों बहुत डिफरेंट बीमारियां बिल्कुल हैं। सही। IBS जो है वो आप कभी कभी सिर्फ स्ट्रेस को ओवरकम करने तो IBS ठीक हो जाता है,
आईबीडी का ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट नीड्स प्रॉपर मेडिकेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट दैट नीड्स और टाइमली डायग्नोसिस, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर डायग्नोसिस के आईबीएस है कि आईबीडी है, एंड दैट नीड्स प्रॉपर ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की आपने बात की, आपके पास डायग्नोस्टिक टूल्स क्या होते हैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए? देखिए, क्लिनिकली जब एक पेशेंट आता है ना, तो हमें पता लग जाता है कि आईबीएस का पेशेंट है। ओके, वो आपको स्ट्रेस की हिस्ट्री भी देगा, वो आपको बताएगा कि उसको वजन कोई उसका कम नहीं हो रहा, और क्लिनिकली जो है आईबीएस में कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डायरिया रह रहा हो या बहुत ही एब्सोल्यूट किस्म की कॉन्स्टिपेशन हो, या कभी कभार ऑब्वियसली जब डायरिया होता है या बहुत शदीद कॉन्स्टिपेशन होती है, तो हमारी पेरिएरल एरिया पखाने वाली जो जगह है वहाँ पर कोई ज़ख्म बन जाता है, वहाँ पर ज़ख्म बनने के साथ खून आ जाता है, तो ब्लड आए तो उसके लिए कोलोनोस्कोपी हम करवा के देख लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो टू रूल आउट के आईबीएस के अलावा कोई बीमारी तो नहीं है, जिस तरह मैंने आईबीडी का जिक्र किया, इसके अलावा कोई हेमरॉइड्स जो हैं वो या बाकी चीज़ें जो हैं उनको, या रेक्टल अल्सर है, सॉलिटरी रेक्टल अल्सर, या कोई और मेलिग्नेंसी को देखने के लिए हम कोलोनोस्कोपी कर लेते हैं पहले, प्रोक्टोस्कोपी और बाकी चीज़ें करा के। अब आईबीएस का कोई डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है। आईबीएस में हम जिनका वजन बढ़ा उनका लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं, जिनको फैटी लिवर का मसला हो उनके एलएफटीज करा लेते हैं। मतलब ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं जो पेशेंट के हिसाब से चेंज होती रहती है।